बहुत स्वागत है एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरएक्टिव सेशन में। आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 के माध्यम से। मैं सृजन राजपूत हूं और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूं अपने इस सत्र में। इस सत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस कक्षा 9 के बच्चों के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक से जो विषय लिया गया है इस सत्र के लिए वे है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम जानने जा रहे हैं आज साइंस का ये विषय, जिसमें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इन जनरल भी अगर हम बात करें तो खाद्य संसाधनों को जानना बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है और वो उत्सुक भी होते हैं। तो अगर आपके मन में इस विषय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं इस लाइव इंटरएक्टिव फोन इन प्रोग्राम में। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर भी है, ये है 8800440559, या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं dth.class9@ciet.nic.in पर। अब मैं आप सभी को परिचय देना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े अतिथि का। हमारे साथ सर सुशील कुमार जुड़े हुए हैं। सर PGT बायोलॉजी हैं, केंद्रीय विद्यालय एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। यस मैम, धन्यवाद और सभी छात्रों का हम स्वागत करते हैं। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज साइंस का, और साइंस में जब हम फूड रिसोर्सेज की बात करें तो यकीनन सभी इच्छुक हो जाते हैं जानने के लिए, और स्पेशल टॉपिक है खाद्य संसाधनों को जानना। तो पहले इस चैप्टर का परिचय आपसे लेना चाहेंगे कि ये विषय क्यों चुना गया है कक्षा 9 के बच्चों के लिए, और फिर आगे भी जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारे साथ जो प्रश्न जुड़ते जाएंगे उन्हें भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सृजन जी, ये पूरी यात्रा के दौरान हम आपको बहुत सारे एस्पेक्ट पर बताएंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में भी और क्यों हमें जरूरत पड़ी खाद्य संसाधनों के सुधार के लिए जी। तो बच्चों हम ये सेशन शुरू करते हैं और हम सभी जैसा कि जानते हैं कि सभी जीवधारियों को जो भी इस धरती पर रह रहे हैं जिंदा जीव जंतु, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सृजन जी, हम और आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर को लंच लेते, रात को डिनर लेते, बीच बीच में स्नैक्स लेते, तो हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन से हमें प्रोटीन, जो हमारे आपके शरीर की मसल्स बनाता है, बोन बनाता है, मेरे हेयर बनाता है, और साथ में हमारे ब्लड को भी बनाता है। ऐसे ही हमें ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज के साथ साथ अलग अलग जो भी मीठे पदार्थ हैं वो हम लोग लेते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम फैट लेते हैं, जिसको हमारे बच्चे वसा के रूप में भी जानते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, तो वो जो फैट होते हैं वो भी एनर्जी देते हैं हमारे शरीर में, और एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर भी रहते हैं, जो हमें ठंड से बचाते हैं, देखा होगा सर्दियों के दौरान इंसुलेशन का काम करते हैं, और हमें जब जरूरत पड़ती है तो वो फैट टूट के हमें एनर्जी भी देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विटामिन होती हैं, जिनमें से विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील अर्थात वाटर सोल्यूबल होती, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं। इसके अलावा सृजन जी, हम और आप लोग खनिज लवण लेते हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके एक हम थाली में, जो भारतीय थाली होती है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। इन सभी जो भी तथ्यों की आवश्यकता है हमारे विकास तथा वृद्धि, ग्रोथ के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। पौधे तथा जंतु दोनों को हमारे भोजन की बात करें तो आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके द्वारा बनाते हैं, और हम जंतु पौधों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः जो भोज्य पदार्थ हैं हमारे, हमें कृषि तथा पशुपालन, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, उससे प्राप्त होते हैं। हम प्रायः आप और हम लोग जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठाते हैं तो उसमें देखते हैं, पढ़ते हैं कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है या एनिमल हस्बेंड्री जिस या पशुपालन को बढ़ाने के बहुत सारी सरकार द्वारा प्रयास हो रहे हैं, और ये हमारे बच्चों के मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी, आपके भी मन में आ रही होगी कि ये क्यों किए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं कुछ स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा अपने बच्चों को, कि पूरी दुनिया में आज हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, हम लोग नंबर वन कंट्री हैं, और पूरी दुनिया की अगर हम अगर जनसंख्या की बात करें 8 अरब की आज से ज्यादा लोग इस धरती पर रह रहे हैं सृजन जी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उसमें से
एक जो कह सकते हैं कि 145 करोड़ लोग के से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ भारत में रह रही है। तो भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, हमारे देश की जनसंख्या क्योंकि 145 46 करोड़ के आसपास है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। ये वृद्धि अधिक भूमि व कृषि करने से ही संभव हो सकती है। परंतु अगर देखा जाए सज्जन जी, तो भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती आ रही है, क्योंकि हमारा देश तो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, हमारा कृषि प्रधान हमारा देश है, और इसीलिए देखा जाता है कि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है और वो खेती करती है। तो कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता अब संभव नहीं है, क्योंकि जमीन तो सीमित है। इसलिए फसल तथा एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक हम अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के कुछ प्रयास होते रहे हैं, जैसे आपने एक प्रयास के रूप में हमारे बच्चों ने और सभी लोगों ने अगर पहले कभी सुना हो कि हमारे देश में और पहले दुनिया में एक हरित क्रांति के नाम से एक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुई, जिसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं या हरित क्रांति कहते हैं। उस हरित क्रांति के द्वारा हमारे जो खेतों में गेहूं का, विशेषकर गेहूं चावल जो फसलें, जो अनाज वाली फसलें हैं, इनका उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ गया, और हम लोग न केवल अपने देश की, अपने लोगों की भूख मिटाने में सफल रहे, बल्कि हम देश दुनिया को भी आजकल निर्यात कर रहे हैं गेहूं, दुनिया के और देशों को हम दे रहे हैं। ये हरित क्रांति जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के लिए जानी जाती है, और हमारे देश में एम एस स्वामीनाथन साहब जो उस समय एक बायोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इसमें काफी योगदान दिया, और मैक्सिको के एक वैज्ञानिक नॉर्मन बॉयलॉग साहब थे जिन्होंने कुछ ऐसी संकरित किस्में ईजाद की जिनकी गेहूं की जो बाली होती है, जो फल होता है जिसमें बीज बनते हैं, उसमें ज्यादा बीज बनते थे। तो इसके आधार पर हम गेहूं का उत्पादन में सेल्फ रिलायंट हो पाए, हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों की मदद के आधार। इसके बाद हमारे देश में एक श्वेत क्रांति हुई जिसे हम व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। इसमें हमारे देश में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए, और आज हम काफी हद तक इसमें भी सेल्फ रिलायंट हो गए। इसके अलावा येलो रिवोल्यूशन भी एक जानी जाती है, जिसके द्वारा तिलहनी अर्थात तेल वाली फसलों की उत्पादन को बढ़ाने में हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी फसलें ईजाद की, ऐसी संकरित फसलें बनाई जिनमें से ज्यादा हमें तेल की प्राप्ति हो, ऑयल। जैसे आप सब जानते होंगे एक सरसों का एक पौधा होता है जिससे हमको सरसों का तेल प्राप्त होता है। ऐसे ही आप अगर आगे बढ़े तो एक रिवोल्यूशन और हुई जिसे हम ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। हमारा भारत देश की बहुत बड़ी सीमा समुद्र के से जुड़ी हुई है, समुद्र घेरे हुए है, तो वहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ इस प्रकार के अच्छी प्रजाति की मछलियों को विकसित किया जिससे कि ज्यादा अच्छी प्रोटीन प्राप्त हो, और इसके आधार पर जो रिवोल्यूशन सामने आई वो ब्लू रिवोल्यूशन कहलाई। तो ये रिवोल्यूशन जो हुई, इनकी प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का, जो नेचुरल रिसोर्स है, इनका बहुत उपयोग हुआ। सृजन जी, जैसे कि हम इस एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहें, भाई अगर जमीन है और उस जमीन में हम ऐसे पौधे लगा रहे जिसमें ज्यादा मात्रा में गेहूं प्राप्त हो रहा है, जमीन से ही तो वो पौधा अपने जो पोषक पदार्थ है वो लेगा, न्यूट्रिएंट तो जमीन से ही खींचेगा, तो जमीन की उर्वरक क्षमता तो एक सीमित हुई ना। अब उस उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ, फिर हमारे उस ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ साथ ऐसे कुछ प्रयास किए गए कि जिसके द्वारा बेइंतहा बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, रसायन वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। इसके अलावा कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया, और इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में डैम और जो कैनाल सिस्टम डेवलप किए गए। कुल मिला के जब हमने कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया तो हमारी प्राकृतिक संपदा को बहुत हानि हुई, हमारे नेचर रिसोर्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा, और फसल बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने वाले कारकों को क्षति पहुंचाने लगे, नुकसान करने लगे। इसलिए आज के दौर में देखा होगा एक नया टर्म आ गया है कि भाई हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, ऐसी एग्रीकल्चर करें
जिसके द्वारा हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को नुकसान ना हो। और आजकल हमारे बच्चे जानते होंगे कि जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान 1960-70 के दौरान जो फसलों में उत्पादन को बढ़ाया हमारे वैज्ञानिकों ने, उसकी वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी मात्रा में जो भूमि है वो एक प्रकार से बंजर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही जो कुपोषण है, जिसे हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, तथा जो भूख की समस्या है, जिसे हम हंगर कहते हैं, इसका समाधान बच्चों नहीं हो सकता है। क्योंकि लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। तो लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन चाहिए और खाद्य सुरक्षा सरकार की एक जिम्मेवारी है, फूड सिक्योरिटी एक जिम्मेवारी है। तो खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी भी खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है तो उसकी देखा होगा डिमांड बढ़ जाती है और फिर कालाबाजारी होने लगती है, ये भी हमने आपने देखा होगा। तो हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है बच्चों। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़ानी चाहिए और इसके लिए बहुत सारे सरकार द्वारा प्रयास कर रहे किए जा रहे, जिससे कि भूख की समस्या का ये निदान निकले और कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की लिए हमारे जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ऐसे किए जा रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है बच्चों कि हम फसल तथा एनिमल हस्बेंड्री, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो हम आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो आप बच्चों जानते होंगे कि जो अलग अलग प्रकार की फसलें पाई जाती है हमारे चारों तरफ, आपने देखा होगा कुछ फसलें जिन्हें हम दालों वाली फसलें कहते हैं, जिनसे पल्स, जिन्हें इंग्लिश में पल्स कहा जाता है, जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये प्रोटीन वाली फसलें होती हैं सजन जी। ऐसी बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सीरियल कहते हैं, जैसे कि आपने गेहूं उसका नाम सुना होगा, चावल का सुना होगा। और तो और आपने 2023 में हम और आप लोग ने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया। तो मिलेट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार की मोटे अनाज होते हैं। ये ऐसे अनाज होते हैं जिनमें बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा इसमें फाइबर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो मिलेट्स मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, ये हमारे मिलेट्स में आए। ये एंशियंट ग्रेन होते हैं जो बहुत पहले से हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं और इस समय तो इसका जमाना भी चल रहा है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा संचेतना की गई है, बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया गया मन की बात के द्वारा, परीक्षा पे चर्चा के द्वारा इस बात पे बच्चों को आग्रह किया गया है कि वो अपनी जीवनचर्या में परीक्षा की तैयारी के दौरान मिलेट युक्त बिस्किट या मिलेट युक्त जो खाद्य पदार्थ उनको लें, जिससे कि वो तंदुरुस्त रहेंगे और अपनी परीक्षा को, जो अभी वार्षिक परीक्षा और जो स्कूल की परीक्षा हो रही है, उसमें स्वस्थ मन के साथ वो परीक्षा देने में सफल हो पाएंगे। तो हमने जैसे दालों वाली फसलें बताई बच्चों आपको, जैसे कि चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर तथा मसूर जिसे हम कहते हैं, ऐसे ही तेल वाली फसलें होती हैं जो ऑयल क्रॉप कहलाती हैं, जैसे सोयाबीन, जैसे मूंगफली, जैसे तिल, जैसे अरंड, जैसे सरसों, जैसे अलसी, जैसे सूरजमुखी, ये तेल वाली फसलें कहलाती बच्चों, ये ऑयल क्रॉप कहलाती हैं, इनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। तो ये ऐसी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी फसलों से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं। ऐसी आपने देखा होगा कभी किचन में गए बच्चों आप, तो आपने देखा होगा आपकी दादी नानी या मम्मी कितने प्रकार के मसाले इस्तेमाल करती हैं, हर मसाले के पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान छिपी हुई है, उनके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार है। जैसे हम हल्दी का ही इस्तेमाल करते हैं अगर दूध में डाल के, या फिर आप गोल्डन मिल्क के रूप में, तो हमें और आपको एल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है, हमारी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हम एलोवेरा का अगर इस्तेमाल करते हैं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, हमारे चेहरे की चमक बढ़ाता है। आपने गिलोय का इस्तेमाल किया होगा बच्चों कभी, तो उसमें देखा होगा हमारे शरीर को शुद्ध खून, खून जो होता है अशुद्ध हो जाता है जब, तो उसे शुद्ध करने का काम करता है, ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। तो ये जो ये हमारा आयुष का ज्ञान था जो हमारे आयुर्वेद में चरक ऋषि ने औषधीय पौधों का बहुत अच्छे से सुंदर वर्णन किया है, कभी आपको वक्त मिले तो आप जरूर सृजन जी इन पौधों के जो अलग अलग उत्पाद हैं इनको पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। तो सब्जियां, मसाले तथा फल हमें, हम और आप लोग विटामिन्स तथा खनिज लवण के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो कुछ मात्रा में प्रोटीन, फैट तथा कार्बोहाइड्रेट भी सब्जियों से प्राप्त हो जाते हैं। जी ऐसी सर, कुछ यहाँ चारा हम वाली क्रॉप्स फसलें को तो होती जान रहे हैं, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। आपने हैं। जी क्रांतियों के बारे में बताया, विभिन्न क्रांतियां, चाहे वो हरित क्रांति हो या श्वेत क्रांति हो, और अब आप जी क्रॉप्स के बारे में, हमें फसलों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे आपसे जी यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जेनेटिवली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, और आगे अगर बात करें तो बायो फोर्टिफिकेशन को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि अभी आपने बात की कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जिसे हम जीएम क्रॉप कहते हैं, तो जी फॉर जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड, तो जीएम क्रॉप कहलाती है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट, द प्लांट इन विच डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, देयर आर सम जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, हम अभी उस उदाहरण से आपको बच्चों को बता रहे हैं। सो द प्लांट इन विच डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेथड फॉर एग्रीकल्चर परपजेज आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और जीएम क्रॉप। देयर आर सो मेनी जीएम क्रॉप। वन ऑफ द पॉपुलर क्रॉप दैट आवर स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो दैट इज नोन एज बीटी कॉटन, दैट इज बीटी ब्रिंजल, दैट इज बीटी सोया, दैट इज बीटी कॉर्न। और बीटी कॉटन तो इंडिया में हम और आप लोग उपयोग भी कर रहे हैं। बच्चों आपने देखा होगा कई बार हमारे फसलों में कीड़े लग जाते हैं, कैटरपिलर लग जाते हैं, सुंडी लग जाती है छोटी सी, तो आजकल उसको हमें खत्म करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। तो अब पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है, बल्कि वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरिया होता है बीटी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर एक ऐसा जीन होता है कि वो एक प्रकार का ऐसा सबिस्टेंस, एक प्रकार की ऐसी प्रोटीन बनाता है, उससे एक थुरियोसाइट सबिस्टेंस बनता है, ऐसा केमिकल सबिस्टेंस बनता है उस प्रोटीन से जो कि उस कैटरपिलर को मार देता है। तो बैक्टीरिया के अंदर से बीटी जीन को निकाल के फसलों में डाल दिया गया और ऐसी फसलें कहलाने लगी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जीएम क्रॉप, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, ये कुछ एग्जाम्पल है। हमारे भारत में फिलहाल बीटी कॉटन का खूब उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न एंड बीटी सोया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन से ये कैसे भिन्न है, ये बात बच्चों के मन में आ रही होगी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन 1960 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो जो इसमें क्या किया गया था कि ऐसी संकरित प्रजातियां बनाई गई थी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, जिनसे ज्यादा मात्रा में अनाज उत्पादन हो। इसमें डीएनए का ट्रांसफर नहीं किया गया था, ये ट्रेडिशनल कुछ प्रकार के मेथड जिसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसके माध्यम से ऐसी फसलों को इससे उस वैज्ञानिकों ने हमारी बनाया। और इनकी वजह से ये जो फसलें बनाई हमारे वैज्ञानिकों ने, चाहे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुई, फिर येलो रिवोल्यूशन हुई, और इसके बाद अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का जमाना है, तो इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि बढ़ते ही हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उनकी पेट की भूख को कैसे शांत करें, कैसे उनको हम पोषण युक्त भोजन दे पाने में सफल हो पाए, ये पूरा उद्देश्य है। जी तो बच्चों सर, जैसा भूख कि की बात हम आप कर अभी रहे हैं तो एक हम, क्योंकि खाद्य संसाधनों विषय पर ही हमारी चर्चा हो रही है, हम इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक फूड हंगर और मेल न्यूट्रिशन में अगर हम आपसे अंतर जानना चाहें तो बच्चों के लिए आप इसे कैसे बताएंगे? हाँ बिल्कुल, हिडन हंगर बहुत अच्छा, आज के बच्चों में ये बहुत देखा जा रहा है सृजन जी। हिडन हंगर मतलब ऐसा हुआ कि आपने समझिए कि पिज्जा, बर्गर या कोई ऐसा फूड आइटम ले लिया कि उसमें कोई एक कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, आइदर इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ऑन द अदर हैंड इट इज डेफिशिएंट इन सो मेनी ऑफ दी माइक्रो न्यूट्रिएंट एज वेल एज विटामिन और मिनरल्स आल्सो। सो हिडन हंगर इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पार्टिकुलरली आयरन, जिंक, आयोडीन एंड विटामिन ए आल्सो। सो द फूड आर डेफिशिएंट इन इन दीज ऑफ द थिंग्स। सो द पीपल वन हैंड इज टेकिंग द सो मच ऑफ द फूड, बट ऑन द अदर हैंड ही इज नॉट टेकिंग आइदर द आयोडीन, आइदर द विटामिन ए, आइदर द मिनरल, आइदर द न्यूट्रिएंट और अदर विटामिन। So he is slowly is in the condition of the hidden hunger. So which can other without a deficit in energy intake as a result of consuming an energy dense food, but nutrient poor food. Food is on one hand it is
वी कैन सी द एनर्जी रिच बट ऑन द अदर हैंड इट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन, सो इट इज नोन एज हिडन हंगर। खाना और संतुलित खाना जी, दूसरा कुपोषण जिसे हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन इज डिफरेंट थिंग। मेल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन दैट डेवलप व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ विटामिंस मिनरल्स एनर्जी एंड प्रोटीन एंड वी कैन से फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन इज टेकिंग द फूड विच इज डेफिशियंट इन विटामिंस सो ही मे डेवलप द कंडीशन नोन एज क्वासरकोर। On the other hand, if a person is consuming the food which is deficient in energy, so he may develop the condition that is known as marasmus. So marasmus and kwashakor are the condition related with malnutrition. And hidden hunger is the condition that is on the one hand, pupils are taking the energy rich food, but on the other hand, they are deprived of so many kind of the nutrient, vitamins and minerals. So this is the all about of the hidden hunger and that is the malnutrition. जी सर, तीन मिनट का समय शेष रहा है, तो चाहेंगे कि आप इस सत्र को समाप्ति की ओर लेकर चलें और हमें बायो फोर्टिफिकेशन और एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में जो है आप थोड़ा सा जानकारी दें हमारे बच्चों को और सत्र को हम समाप्त करें। अच्छा ठीक ठीक एक मिनट। बायो फोर्टिफिकेशन, जैसा कि हमारे बच्चे नाम से ही जान रहे होंगे, फोर्टिफिकेशन मींस कोई चीज को उसमें ऐड कर देना, मिला देना। तो बायो फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिंस मिनरल्स प्रोटीन्स एंड फैट कंटेनिंग। द मेथड इज इम्प्लॉयड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। सॉरी जी, हाँ कोई बात नहीं। सो सॉरी, सो नाउ इट इज बायो फोर्टिफिकेशन इज डन टू फुलफिल द डेफिशिएंसी इन, सपोज वी आर टेकिंग वन फूड सो इट इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, सो इफ वी ऐड द विटामिन डी फ्रॉम द अदर सोर्स सो इट इज नोन एज बायो फोर्टिफाइड मिल्क और बायो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट। सो सिमिलरली बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस इज डन इन एग्रीकल्चर, so it is usually done in the plant breeding, so crops will be developed with the higher value of vitamins minerals proteins and fat. On the other hand, there are the one term that is known as agronomic characters that you have you would like to ask me. So agronomic characters are the plant characters related to the crop production usually observed during the plant growth. Example, the height of the plant, like the maturity, like the tiller number, like the panicle size, yield and quality factors. So I would like to give one example. For example, if we discuss about the fodder crop, so like the jo chara wali fasle hoti hai, to if the fodder crop will be tall and having the profuse branching are desirable character for the fodder, and because of the multiple nutrient requirement and fixed dietary product of the cattle. So such type of the agronomic traits will be considered at the time of developing different type of the improved variety of the crop. So कुल मिला के बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि विभिन्न फसलों के लिए हम किस प्रकार से क्यों जरूरत पड़ी हमको उनको अंदर कुछ परिवर्तन करने की या हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की। अब अगले टर्न पर जब हम इसका पार्ट टू आपके साथ बात करेंगे, तब हम लोग इस पे बात करेंगे कि भारत में सन 1952 से लेके 2010 तक अगर देखें तो कृषि भूमि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 25% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य की वृद्धि में सिर्फ 4% की हुई। इसलिए ये जो बीच का जो गैप है कि जनसंख्या में लगभग 29% के आसपास 25 से 29% और जो हमारे फूड प्रोडक्शन में 4%, तो फिर इसके लिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। उसके अंतर्गत हम लोग अगली बार आपसे बात करेंगे कि हम तीन प्रकार से इन फसलों को किस प्रकार से बढ़ाए। पहला प्रकार है जो फसलों की किस्मों में सुधार, सर चाहेंगे कि अब इस सत्र को समाप्त तथा फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये अगले
हम सेशन में आपके साथ बच्चों डिस्कस करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद साइंस के इस खूबसूरत सत्र के लिए। बच्चों, आज हमने जाना, अपने साथ सुशील सर जुड़े हैं हमारे साथ, पीजीटी बायोलॉजी हैं सर नेपाल काठमांडू से, और बताया सर ने हमें किस तरह खाद्य संसाधनों में सुधार किया गया, और ये हमारा साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके सरल शब्दों के इस विवरण के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सो डियर व्यूअर्स, हम कुछ ही मिनटों में आपके लिए हमारा दूसरा लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर आएंगे क्लास 9 के बच्चों के लिए। ये इंग्लिश का सत्र होगा और विषय रहेगा, टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, बिहाइव रीच फॉर द टॉप, संतोष एंड शॉर बाबा। सो इट्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग वन, सो आप ज़रूर कनेक्ट करें हमारे अगले लाइव इंटरैक्टिव सेशन के साथ। मैं सृजन राजपूत आपसे चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।